मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में बारिश व बर्फबारी का दौर जारी है और मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने से किसानों, बागवानों व आम लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि इस हल्की बारिश से मौसम सुहावना व खुशनुमा हो गया है और किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई है। पिछले दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से प्रदेश के किसानों ने थोड़ा राहत की सांस ली है और उनके खेतों की प्यास बुझी है। वहीं इस हल्की बारिश से मंडी शहर के न्यू ब्रिज पर पानी का जमावड़ा लग गया, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को थोड़ा परेशानी हुई। हालांकि विभाग के कर्मचारियों ने न्यू ब्रिज पर लगे पानी के जमावड़े की निकासी कर दी और जिससे पानी की निकासी हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए ताकि शहर के मुख्य बाजारों व पुलों पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो सके। करीब दो महीने के बाद मेघ बरसे हैं और इस बारिश की किसानों को, बागवानों को और आम जनता को, क्या आम मतलब इनके प्रकृति को भी इसकी बहुत ही आवश्यकता थी। जो मेघ बरसे हैं और वर्षा से जो है, जहां किसानों का बहुत फ़ायदा हुआ है, बागवानों का फ़ायदा हुआ है, बर्फबारी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो प्रदेश का फ़ायदा हुआ है। और इस वर्षा से, अभी इतनी जोर की बारिश तो हुई नहीं, लेकिन हल्की सी वर्षा होने पर भी शहर की कई गलियां जो है वो पानी से भर गई और कई जगह जो खुदाई कर रखी है वहां भी कीचड़ पैदा हो गई है। तो जिला प्रशासन है या नगर परिषद है, वो अगर इस बरसात होने से पूर्व, जो और बारिश होगी उससे होने से पूर्व, उन स्पॉट का जो है वो विशेष इंस्पेक्शन करें, ध्यान रखें, ताकि वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो और जो कीचड़ फैल रहा है वो कीचड़ ना हो, लोगों को चलने में दिक्कत ना हो। अन्यथा दूसरे लिहाज से कहा जाए तो बारिश जो है एक संजीवनी साबित हुई है। आ जा रही है, बाकी दिक्कत आ रही है चलने में, कपड़े वगैरह सारे खराब हो रहे हैं, इस वजह से पानी खड़ा रहेगा 3-4 दिन तक। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।